आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। संगी हो जय जोहार, मैं हूं करण खान और आप मन देखा था सबले तेज न्यूज चैनल RNN न्यूज। तो अपन आस पास की खबर ला जाने पर देखत रहो RNN न्यूज, खबर के खबर के सिलसिला यहां कभी थमे नहीं और जानो पल पल के खबर। और हां, सब्सक्राइब करे पर झन भुलाओ और घंटी के जिन बेल आइकन है ओला घलो दबाओ। अलीगढ़ में 3 वर्ष की ट्विंकल शर्मा के साथ हुई बबरतापूर्व दुष्कर्म को लेकर हिंदू सेना छत्तीसगढ़ जिला कोरिया के चिरमिरी में सैकड़ों हिंदू सेना के महिला और पुरुष के सदस्यों ने मौन होकर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें चिरमिरी क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया। यह मौन मार्च छोटा बाजार के शंभू चौक से मुख्य मार्ग होते हुए बड़ा बाजार दुर्गा पंडाल के पास ट्विंकल शर्मा के छायाचित्र के पास 101 दीपक एवं अगरबत्तियां जलाकर हिंदू सेना के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से उनकी पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। इसके साथ हिंदू सेना भारत सरकार से ये मांग की है कि इस कुकर्म में शामिल शैतानों को फांसी की सजा की मांग की है। अलीगढ़ में जो बच्ची के साथ में बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म के साथ उसकी हत्या की गई है और एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है, हिंदू सेना छत्तीसगढ़ कोरिया जिला के माध्यम से जितने भी हमारे महिला और पुरुष विंग के जितने भी साथी हैं आज अपना आक्रोश ये कह सकते हैं कि इतना गुस्से में है सब लोग, और उस गुस्से को अपने मौन के रूप में और कैंडल मार्च के रूप में उसको व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन से ये भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जो दुस्साहस करने वाला पापी इंसान है उसको कठिन से कठिन तत्काल ये कह सकते हैं कि उसको फांसी की सजा दिया जाए। हिंदू सेना पूरा छत्तीसगढ़ यही आह्वान कर रहा है कि ऐसे पापियों को तत्काल जो है फांसी की सजा दिया जाए। हिंदू सेना के प्रदेश महासचिव अविनाश विश्वकर्मा कड़े शब्दों में कहा कि हिंदू बेटियों को जिस प्रकार देश के क्षेत्र में एक विशेष समुदाय द्वारा शिकार बनाकर ये कुकर्म किया जा रहा है, ये हमारे सब्र की हद देख रहे हैं। कड़े शब्दों में हिंदू नारी सेना के पदाधिकारियों ने राज्य एवं केंद्र सरकार से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। हिंदू सेना के इस आक्रोशित मौन रैली में हिंदू सेना महिला विंग की प्रदेश महासचिव भारती सिंह, कोरिया जिले के अध्यक्ष राजेश यादव, कोरिया जिले के महिला विंग के जिला अध्यक्ष पार्वती राजवाड़े, नगर अध्यक्ष संतोष दिवांगन, जिला ग्रामीण विस्तारक संजू रवि, ज्योति धर्मेंद्र सूरज, संतोष दीवान, वैभव निर्मला, रिंकी रोशनी, रमेश सिंह, अजय पांडे, चंद्र प्रताप, जवाहर सिंह, हृदय दीपेंद्र शर्मा, राजेश राजकुमार, रोहित, अरुण अनसुईया, यशोदा, अंजू, अनिल के साथ हिंदू सेना के सैकड़ों साथी शामिल होकर इस मौन रैली को सफल बनाया। इसके बारे में हिंदू सेना छत्तीसगढ़ घोर निंदा करती है, जो कि ये ट्विंकल शर्मा के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और इसके लिए हिंदू सेना हमेशा से यही कहते आएगी, और जो भी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं और जो हत्याएं होती हैं इसको रोक लगाया जाए और फांसी की सज़ा सुनाई जाए। रैली के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहते हैं? रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारी बच्चियों के साथ जो हो रहा है दुष्कर्म ये बहुत गलत हो रहा है, और हिंदू सेना छत्तीसगढ़ इसकी घोर निंदा करती है और जल्द से जल्द जो अपराधी है उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। RNN न्यूज के लिए कोरिया जिले से बाला राव की रिपोर्ट। हेलो संगी हो जय जोहार, आदाब, जय छत्तीसगढ़, मैं हूं करण खान। अब आप मन देखा था आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RNN। हाँ संगी हो, जैसे कि आप मन देखा था मोर फिल्म मंदरा जी 28 जून के रिलीज हुई है। मंदरा जी की शूटिंग हम पूरा हो चुके हैं, मंदरा जी के जम्मू काम हम पूरा हो चुके हैं। जैसा कि मैं आप मन बता रहे हूँ कि छत्तीसगढ़ के मोर पहली बायोपिक फीचर फिल्म दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी जे नाचा के भीष्म रिहिस ओखर ऊपर बने हैं, और मोर सौभाग्य है कि मोला दाऊ दुलार सिंह उर्फ मंदरा जी के भूमिका निभाए के अतिक स्वर्णिम अवसर मिलिस। एक बार में हाँ फिल्म के निर्माता निर्देशक ये मन के बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। संगी हो, मंदरा जी के पात्र ला निभाना अपन आप में बहुत चुनौतीपूर्ण रही सी, लेकिन आप मन के माया अपन दाई के दुलार अपन दाई के आशीर्वाद से मोला इसे लगते कि शायद मैं हाँ वो चुनौतीपूर्ण भूमिका ला अच्छा तरीका से निभाया हूँ। कबर की शूटिंग के दरमियान वहाँ जटका दर्शक मन, वहाँ जटका निर्देशक निर्माता हो, कैमरामैन हो, पूरा यूनिट वाला मन रही, वो मन के तो यही कहना है कि मंदरा जी की भूमिका के साथ मैं हाँ पूरा पूरा न्याय करे हूँ। बाकी असल फैसला दूर आप मन असंगी, मैं इंतजार कर हूँ आपन के फैसला के, तो जरूर देखो मोरवैया फिल्म 28 जून के। फिल्म के नाम का है मंदरा जी।